हेलो मेरे ज्वेलर भाइयों, आप लोग कैसे हो। मैं जी कुत्ता पैदा हूँ। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं ऑल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। अगर किसी को कंसल्टेंसी की ऑल मार्क सेटअप करवाना चाहता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो ज्वेलर भाई, हमारा ऑल मार्किंग में चार सेक्शन होते हैं। पहला रिसीविंग एंड डिलीवरिंग, चार रिसीविंग डिलीवरी होता है। वहाँ पे काम कैसे होता है तो हमारी एक मैडम है, वो हम उनको बताएंगे पहले कैसे काम करते हैं, फिर उनसे हम बाद में पूछेंगे तो उनको क्या क्या लर्न हुआ। लास्ट में हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हमको फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा कि आपका काम रिसीविंग डिलीवरी पे कैसे होता है। तो सबसे पहले रिसीविंग डिलीवरी का काम है, सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर आएगा, आपको क्या रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज उसको कस्टमर को डील करेगा। रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज का काम होगा कि सबसे पहले ज्वेलर की क्या है आइडेंटिटी, पहले वेलकम करना है, फिर उसके बाद उसकी आइडेंटिटी पूछनी। आपके हमारे तरफ दो तरह के कस्टमर हो गए, एक BIS लाइसेंसी ज्वेलर होगा और दूसरा परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी। जो टाइम बताना है कस्टमर को, जो हमारा हॉलमार्किंग में टाइम लगता है मिनिमम 7 से 8 घंटे लगते हैं और मैक्सिमम क्या है 48 घंटे हम कस्टमर से ले सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पीसेज ज़्यादा हुए तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम उसको कस्टमर से 48 घंटे का टाइम लेंगे, जिससे हम उसको प्रॉपर डिलीवरी कर सके टेस्टिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ रिसेप्शन वाला क्या करेगा, सबसे पहला काम कस्टमर का वेलकम करेगा, कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा वो किस टाइप का कस्टमर है। हमारे दो तरह के कस्टमर हो, जैसा कि अभी पहले मैंने बताया, पहला कस्टमर होगा BIS लाइसेंसी ज्वेलर और आइदर यू कैन से BIS सर्टिफाइड ज्वेलर। BIS सर्टिफाइड ज्वेलर आएगा तो ज्वेलर तो खुद आएगा नहीं, अपने बंदे को भेजेगा, अपना एजेंट भेजेगा हॉलमार्किंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या उसकी आइडेंटिटी चेक करेंगे। आइडेंटिटी चेक करने का आप किस नाम उसका नाम पूछेंगे, किस ज्वेलर से आए हो, तो आपके उनसे एक अथॉरिटी लेटर ज्वेलर के लेटर हेड पे होना चाहिए और उस बंदे का उस पर उसका नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और क्या किस टाइप की ज्वेलरी लेके आया है। उसके बाद इश्यू वाउचर होना चाहिए, उस पर इश्यू वाउचर पे सारी डिटेल होनी चाहिए, ज्वेलरी का ग्रॉस वेट, नेट वेट और डायमंड का वेट और गोल्ड का वेट कितना है, नेट वेट गोल्ड कितना है, डायमंड वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, सारी चीज़ें डिटेल होनी चाहिए। अगर आप वो ऐसा नहीं देता है तो उसको एडवाइस करना है कि सर आगे से हमें क्या है, ये सारे गोल्ड का जो पर्टिकुलर है उसमें आपका बैंगल है, रिंग है, टॉप्स है, वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर का डिटेल देना है, नेट वेट ऑफ द क्या है गोल्ड देना है और डायमंड का वेट कितना है और ग्रॉस वेट ज्वेलरी का कितना, वो सारा आपको देना है। इसके बाद हम क्या ज्वेलरी का लाइसेंस उसकी कॉपी भी लेंगे, ज्वेलर की लाइसेंस की कॉपी लेके हम क्या है वो लाइसेंस ज्वेलर है कॉपी है उसका लाइसेंस तो क्या है बंद तो नहीं हुआ, उसको वेरीफाई करेंगे अपने कंप्यूटर पे। हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो इससे हमारा BIS की वेबसाइट है www.manakonline.in पे जाके खोलेंगे तो होम पेज खुलेगा, उसमें बहुत सारी टाइल्स होंगी, वहाँ पे एक टाइल्स होगा हॉलमार्किंग का, हॉलमार्किंग पे क्लिक करेंगे। हॉलमार्किंग पे क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट गोल्ड लाइसेंस ज्वेलर आएगा, सिल्वर लाइसेंस ज्वेलर दिखेगा। ठीक है, हॉलमार्किंग सेंटर रिकग्नाइज, हॉलमार्किंग सेंटर रिजेक्टेड, वो सारी टाइल्स मिलेंगी आपको। आपको मतलब है क्या है लिस्ट गोल्ड ज्वेलर रजिस्टर्ड और सिल्वर ज्वेलर रजिस्टर्ड। जैसा कि हमारा हॉलमार्क सेंटर है अभी सिर्फ गोल्ड के लिए खोल रहे हैं तो हमें मतलब है सिल्वर गोल्ड के ज्वेलर से, तो गोल्ड ज्वेलर जितने भी होंगे वो लिस्ट पे क्लिक करेंगे, गोल्ड ऑफ रजिस्टर्ड गोल्ड ज्वेलर और हॉलमार्किंग पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं पूरी जितने भी ज्वेलर हैं सबकी लिस्ट खुल जाएगी। वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, ज्वेलर का नाम आपको उसके सर्टिफिकेट पे होगा, नाम से भी सर्च कर सकते हैं और उसके लाइसेंस नंबर भी सर्टिफिकेट पर, तो उसके लाइसेंस नंबर सर्च में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च कर देगा। ये सर्च करने के बाद अब जब आप वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये लाइसेंसी ज्वेलर है और वेरीफाई सारा कर लिया, उसका अथॉरिटी लेटर भी दे लिया, फिर आप उसको अपने हॉलमार्किंग चार्जेस बताना है। हॉलमार्किंग का चार्जेस है ₹45 पर पीस से प्लस 18% GST लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारे सपोज करो यूपी, हमारा सेंटर यूपी में है, अगर यूपी का ही बंदा आता है तो हम उस पर 18% GST लगा के उसमें क्या होगा SGST 9% होगा और 9% CGST होगा। ठीक है, CGST मतलब सेंटर टैक्स और SGST मतलब स्टेट टैक्स। उसमें क्या है अगर यूपी का ही आ गया तो मतलब हम आधा स्टेट गवर्नमेंट लेती है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अगर हमारे यूपी से बाहर का अगर दिल्ली का कस्टमर आता है
तो हम फ्लैट IGST लगाएंगे सीधा 18%, CGST में ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। और हमारा मिनिमम चार्जेज है जो है 200 रुपीज पर पीस। अगर एक पीस लेके आता है बंदा, ठीक है, कोई ज्वेलर एक पीस करवाने आता है, दो पीस करवाने आता है, चार पीस तक, मतलब हम उसके 200 रुपये तक ही लेंगे GST। अगर एक ही पीस लेके आएगा फिर भी हम क्या टेस्टिंग के लिए हम कितना पैसे लेंगे, 200 रुपये प्लस GST, मतलब 236 रुपये लेंगे 18% GST लगा के, ठीक है। तो ये था हमारा हॉलवा, ये रेट ज्वेलर को पहले से ही बता के रखें, और ज्वेलर को ये भी बता रखें आपके ज्वेलरी पे कोई भी पहले से एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं होनी, कोई भी मार्किंग आपके ज्वेलरी पे नहीं होनी चाहिए। जैसे ज्वेलर कभी कभी लिख देता है 916, तो 916 वाल लिखा है तो उस पर उसको एक्सेप्ट नहीं करना है ज्वेलरी। और ज्वेलर को बता के रखना हम आपकी ज्वेलरी में कैडमियम, इरिडियम, रूथेनियम वो प्रोहिबिटेड एलिमेंट है, आपके ज्वेलरी में नहीं होने चाहिए। और सिल्वर में क्या है, लेड और कैडमियम नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारा क्या है, गोल्ड के लिए रिकग्नाइज, हम गोल्ड के लिए अप्लाई किया है, गोल्ड का हमारा उसमें गोल्ड में चेक करना है आपके कस्टमर को बताना कैडमियम, इरिडियम, रूथेनियम प्रोहिबिटेड एलिमेंट है, आपके ज्वेलरी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये फाउंड होता है तो आपकी ज्वेलरी रिजेक्ट कर दी जाएगी, इवन वो भी पास होती होगी फिर भी फेल हो जाएगी, ठीक है। और अपना उसको रेट जो है 45 रुपीज पर पीसेज है वो पहले से बता के रखेंगे। और हमारा मिनिमम चार्जेस कितना है, 200 रुपीज है प्लस GST है, GST कितना है 18%, ठीक है। इतना काम क्या होता है, रिसेप्शन का होता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो रिसेप्शन वाले का काम क्या है, पहले उसका क्या है, कस्टमर का वेलकम करना है, फिर कस्टमर को की आइडेंटिटी चेक करनी है, वो BIS सर्टिफाइड ज्वेलर है कि नहीं है, ठीक है। अगर सर्टिफाइड ज्वेलर है तो हम उसकी हॉलमार्किंग और टेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। और दूसरा कस्टमर हमारा होता है कंज्यूमर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी, कंज्यूमर मतलब जैसे हम लोग हैं हॉलमार्क ज्वेलरी अगर बाई करते हैं तो हम लोग कंज्यूमर कहलाते, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए हम क्या हॉलमार्किंग नहीं करेंगे, उसकी क्या ज्वेलरी अपना हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदेगा वो हमसे वेरीफाई करवाने आ सकता है कि हमारा चेक टेस्ट करो कि ज्वेलर ने हमें सही सामान दिया कि नहीं दिया, तो उसको वेरीफाई करवा सकता है, उसको हम एक टेस्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो वो सर्टिफिकेट ले जाके अगर वो टेस्टिंग करवाता है उसकी ज्वेलरी अगर हॉलमार्क ज्वेलरी है कम प्योरिटी की आती है तो BIS के कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकता है, और वहाँ से हमें क्या है उसको क्या है जो भी डिफरेंसेस हो ज्वेलर को देना पड़ेगा, नहीं तो उसका क्या है सेंटर बंद हो जाएगा, ज्वेलर और हॉलमार्क सेंटर, जिसने हॉलमार्क किया वो भी बंद हो जाएगा और जिसने करवाया वो भी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोनों का सेंटर बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिटी में क्या क्या चेक करना है, कस्टमर की उसका अथॉरिटी लेटर चेक करना है, उसके लाइसेंस की कॉपी चेक करनी है, लाइसेंस की कॉपी लेने के बाद हमें कहाँ वेरीफाई करना है, BIS की वेबसाइट पे, हो सकता है कस्टमर ने पहले लिया उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया होगा या तो कुछ ने गलत किया तो उसका क्या लाइसेंस बंद भी हो सकता है। तो करंट सिचुएशन क्या है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो क्या है आपको BIS की वेबसाइट मैंने बताया www.manakonline.in पे जाके वहाँ पे खुलेगा, होम पेज खुलेगा, वहाँ पे हॉलमार्किंग का टाइल दिखेगा, हॉलमार्किंग के टाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको वो लिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग ज्वेलर दिखेगा, लिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग ज्वेलर पे क्लिक करेंगे, वहाँ ज्वेलर का नाम, सो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च करेंगे ज्वेलर का नाम, नेम वाइज भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और ज्वेलर की लाइसेंस वाइज भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो भी डालोगे वो सारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने वेरीफाई कर लिया तो आपके पास एक फॉर्मेट होगा F29 रिसीट ऑब्लिक कलेक्शन वाउचर, ठीक है। ये ट्रिप्लीकेट में होगी, ये फर्स्ट कॉपी होगी व्हाइट कलर की, सेकंड कॉपी होगी रेड कलर की, थर्ड कॉपी होगी येलो कलर की, ठीक है। तो इसमें है रिसीव नंबर, अभी हमारा हॉलमार्क रिकग्नाइज नहीं है तो हम क्या है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में यहाँ पे रिसीव नंबर है, रिसीव नंबर में प्रैक्टिस डालेंगे, डेट जिस टाइम पे आपको ज्वेलरी रिसीव होगी वो डेट डालोगे, टाइम जो भी टाइम उस टाइम पे रहोगा, ठीक है। और रिसीव फॉर्म, अभी हम क्या रिसीव फॉर्म हमारे पास भी काम नहीं शुरू हुआ तो इसलिए हमें रिसीव फॉर्म क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक प्रैक्टिस। और BIS लाइसेंस नंबर हमारे पास नहीं, यहाँ पे क्या है डैश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर मैं सपोज करो आपको अभी बैंगल टेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे बैंगल लिखना है, क्वान्टिटी टोटल पीसेस कितने हुए, वेट ऑफ कस्टमर, अभी हमारा कस्टमर नहीं, तो ये डैश होता है ग्रॉस वेट नेट वेट, ग्रॉस वेट नेट वेट मतलब ज्वेलरी में क्या कुछ टैग लगे हो, टैग के साथ अगर वेट कर रहे हो तो क्या है ग्रॉस वेट, मतलब आप कभी मार्केट से ऑयल खरीदा होगा, ऑयल पे नेट और ग्रॉस लिखा था, मतलब नेट वेट मतलब सिर्फ ऑयल ऑयल का वेट, ठीक है, और ग्रॉस मतलब ऑयल के साथ जो पॉलीथीन लगी होती है उसका भी वेट होता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वेट। अगर इसी तरह से ज्वेलरी को आइडेंटिफाई कर, अगर ज्वेलरी में कोई टैग लगा हुआ है तो ग्रॉस वेट हो गया है, उसको वे कर, अगर सिर्फ ज्वेलरी है बैंगल बैंगल उसमें कोई टैग लगा नहीं तो नेट वेट में आएगा, ठीक है।
अभी हमारा कोई कस्टमर नहीं हुआ तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क डैश हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ सेंटर, अपने सेंटर पे वेट करोगे कितना आएगा वो वेट लिखना है। डिक्लेयर प्रायोरिटी, ये कस्टमर डिक्लेयर करेगा आपको। कस्टमर आ गया, हम 5 कैटेगरी में हॉल मार्किंग कर सकते हैं। पहला 23 कैरेट 958, दूसरा 22K 916, तीसरा 20K 833 और चौथा 18K 750, पाँचवा 14K 585 में। यही कैटेगरी की हॉल मार्किंग करने की आएगी। तो डिक्लेयर प्रायोरिटी में बोलता है अगर हमारा 22K 916 तक, तो ये डिक्लेयर प्रायोरिटी कस्टमर से आपको पूछना है कितने की है, ठीक है। और अगर वो कस्टमर इसी वाउचर लेके आता है, वो सारी डिटेल उस पर लिखी होनी चाहिए। अगर लिखी नहीं है तो उसको कस्टमर से आपको पूछना है, आस्क करना है, ठीक है। फिर इसमें रिमार्क में, रिमार्क में क्या है, और हॉल मार्किंग करवानी है कि टेस्टिंग करवानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो डीसी नंबर है, डीसी नंबर डॉक्यूमेंट नंबर आपका दो तरह से सामान आता है। एक तो कुरियर आ सकता है, एक बाई हैंड आ सकता है। तो अगर यहाँ बाई हैंड आया तो बाई हैंड लिखोगे, बाई कुरियर आया तो बाई कुरियर लिखोगे, ठीक है। डेट आएगा यहाँ पे जिस डेट में आपको रिसीव हुआ वो डेट आएगा। फिर अथा सिग्नेटरी लिखा जो आपका रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज है वो यहाँ पे साइन करेगा। और इसके बाद एक फॉर्म और भरेगा, उसको बोलते हैं जॉब कार्ड F29। इसमें जॉब कार्ड नंबर है, जॉब कार्ड नंबर आप रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज नहीं भरेगा। और यहाँ पे बॉक्स नंबर, आपके पास नंबर बॉक्सेस भी होने चाहिए। जब आपने ज्वेलरी रिसीव करना है तो ज्वेलरी में आपने सारे आइडेंटिटी चेक कर लिया कस्टमर की, और ज्वेलरी भी चेक करनी है, एक एक ज्वेलरी उसको चेक करना है, ठीक है। अगर कोई ज्वेलरी टूटी वूटी है तो कस्टमर को उसी टाइम पे बताना है। अगर आपने नहीं बताया, कस्टमर चला गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपने सारी ज्वेलरी वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने के बाद इस पर रिसीव पे सारी एंट्री कर दिया। फिर उसको ये डुप्लीकेट में बनाया था, फर्स्ट कॉपी किसको दे देंगे, कस्टमर की कॉपी होगी। और इसके बाद ये भी भरेंगे, जॉब कार्ड बोलते हैं, जॉब नंबर आप रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज नहीं भरेगा। बॉक्स नंबर जिस ज्वेलरी में, वो बॉक्स में ज्वेलरी रखी उसने, वो बॉक्स नंबर डालेगा, डेट डालेगा इसमें। फिर टोटल नंबर ऑफ पीसेज, जैसा कि 29 में आपने फिल किया होगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ पीसेज इसमें भी फिल करेगा। डिक्लेयर फाइनेंस क्या है, डिक्लेयर फाइनेंस मतलब 22K 916, और वेट ऑफ ज्वेलरी आर्टिकल, टोटल वेट आपने ज्वेलरी का कितना लिया, ठीक है। और डिटेल ऑफ टाइप्स ऑफ ज्वेलरी, सपोज करो वो बैंगल रिंग टॉप जितने भी दिए वो टोटल इसमें लिखना है ये। और आपके पास दो फॉर्म जनरेट हो गए, F29 और F22, वो ज्वेलरी के साथ बॉक्स में रख के आप अपने क्वालिटी मैनेजर को देना है, ठीक है। ये इतना काम क्या है, रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज का है, ठीक है। और रेट वेट सबका, सारी चीज़ें उसको कस्टमर से पहले बता के रखना है। टाइम कितना, 7 से मिनिमम कितना 7 से 8 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे का टाइम लगता है, वो कस्टमर को पहले से ही बता के रखना है, ठीक है। तो ये था, इतना काम था रिसेप्शन का। अब हम आगे अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा एक्सआरएफ और सैम्पलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये मेरी वीडियो यहाँ की खत्म हो जाती है। जय हिंद।